अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी उड़द दाल के पकौड़े की रेसिपी शेयर करेंगे। साथ में चटनी भी बनाएंगे जो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम नरम मुलायम, किस तरह से उड़द दाल के पकौड़े हम बनाएंगे, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आने पर लाइक, और चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कप उड़द दाल ली है और आधा कप चने की दाल ली है। चने की दाल डालने से उड़द दाल का जो हल्का सा कड़वापन होता है वो दूर हो जाता है। और इसमें हमने आधा चम्मच मेथी भी भिगा दिया था साथ में, ये देखिए। अब इसका पानी हमने सारा निकाल दिया है और इसको अब हम लोग पीस लेते हैं। इसको पीसने से पहले सारा पानी एकदम निकाल देना है आपको, और चार पांच पानी से धुल के आपको इसको भिगाना है। अब इसको हम पीस लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर में इसे डाल देंगे और मसाले इस्तेमाल करेंगे थोड़ा बहुत। पांच छह लहसुन की कलियां हैं, आधा इंच का टुकड़ा अदरक है, और छह सात हरी मिर्च है जो लाल हो चुकी है, हाफ टी स्पून जीरा है। बस सिर्फ इतना ही मसाला जाएगा, लेकिन ये पकौड़े बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अब इसमें एक टीस्पून नमक डाल देंगे जायके के मुताबिक, और इसको हमें फाइन सा पीसना है। पीसने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस उतना पानी डालेंगे जितने में ये अच्छे से पीस जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका फाइन सा पेस्ट रेडी हो चुका है। इस तरह से हल्का सा इसमें सूजी जैसा दरदरापन होना चाहिए, तो पकौड़े बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं और मजेदार बनते हैं। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सारे पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे अच्छे से, और बाकी थोड़ा बहुत जो अंदर रहेगा हम एक चम्मच पानी डाल के उसको भी ले लेंगे, और इसको हम ढक के रख देते हैं एक घंटे के लिए। अब हम इसकी एक स्पेशल चटनी बना लेंगे। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम सिंग दाना लिया है, यानी कि पीनट, 7-8 कलियां लहसुन की है, और 4-5 हरी मिर्च है। इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे धीमी आंच पर। इसे हमें चलाते हुए भूनना है इस तरह से। इसमें हल्का सा जब भुन जाए, खुशबू आने लगे, तो इसमें हम 1/2 टीस्पून धनिया साबुत और 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। और ये देखिए, अब ये अच्छे से भुन चुके हैं, इस पे कलर आ गया है, दिख रहा है ना दानों पे। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे, इसको ठंडा करके इसको हम पीसेंगे। 1/2 टीस्पून टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे, और मुट्ठी भर हरी धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसका हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और बहुत ज्यादा हमें पतला नहीं रखना है और न ही गाढ़ा रखना है। इसको एक बाउल में डाल देते हैं, और इस चटनी को मजेदार बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून राई कड़कड़ा लेंगे इस तरह से। राई जब इस तरह से कड़क जाए तो इस पे हम डाल देंगे, और इसको ढक देंगे 20-25 सेकंड के लिए। इसके अंदर का, राई के अंदर का जो अरोमा होता है वो पूरी चटनी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त किस्म की चटनी रेडी हो चुकी है। जब ये बड़े बनाए तो ये वाली चटनी जरूर बनाए, इससे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुके हैं, और ये देखिए मिक्सचर हमारा एकदम से फॉर्मेट हो चुका है। हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, सोडा वगैरह। अब इसमें हम एक प्याज डाल देंगे बारीक चॉप की हुई, और साथ ही इसमें हम हैंडफुल हरी धनिया डाल देते हैं जिसको हमने काट के पहले से रख दिया था। तो थोड़ी सी ये नम सी हो गई है। 1/2 टीस्पून जीरा डाल दिया है साबुत, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। तो ये देखिए, ये फ्लफी से दिख रहे हैं, तो इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। हाई फ्लेम पर पहले ऑयल को गरम कर दिया था, फिर ऑयल को मीडियम कर देना है, और मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। अगर ज्यादा तेज पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से पक जाएंगे, तो हमें इस तरह से नहीं फ्राई करना है। इसको हम मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही कुरकुरे बनेंगे और अंदर से स्पॉन्जी बनेंगे। तो ये देखिए, 3 मिनट हो चुके, तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से पलट देंगे। इसको पलटने के लिए आप किसी स्पून की मदद से इसको पलटिएगा। तो यहाँ पर सारे को हमने इस तरह से पलट दिया है। अब इसको हम 2-3 मिनट और धीमी आंच पर इसी तरह से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। अब ये देखिए, इस पे अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब हम सारे इसी तरह से फ्राई करेंगे। इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सारे पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्रिस्पीपन है, और अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। साथ ही हम थोड़ी सी हरी मिर्च भी फ्राई कर लेते हैं, जो एकदम बाहर ढाबे वालों की तरह लगेगा खाने में, और चटनी के साथ सर्व करते हैं। बहुत ही मजेदार से
ट्रेडिशनल किस्म का स्नैक्स हमारा रेडी हो चुका है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। पकौड़े आप लोग देखिए अंदर से कितने स्पंजी हैं, ऊपर से ये एकदम क्रिस्पी हैं। मेरे तो ये फेवरेट पकौड़े हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, साथ में चटनी बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।